आज देश मना रहा 72वां सेना दिवस। 72वें सेना दिवस पर जवानों को सलाम। तो दिल्ली कैंट में चल रहा आर्मी डे समारोह, सेना प्रमुख ने जवानों को पदकों से सम्मानित किया है। तो आज 72वां सेना दिवस, मई सेना बना रही है और अदम्य साहस को सलाम, पूरा देश कर रहा है। तो इस बार 72वें सेना दिवस बेहद खास, परेड भी यहां पर खास देखने को मिली और ऐसा पहली बार हुआ कि एक महिला अधिकारी ने पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व किया। तो सेना प्रमुख ने जवानों को पदकों से सम्मानित किया है, उनकी दिल्ली के सेना कमान मुख्यालय के साथ साथ देश के कई जगहों पर इसी तरह से सैन्य परेड और शक्ति प्रदर्शन अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर सेना दिवस मनाया जा रहा है। एक्सरसाइजेज हमारा रक्षा सहयोग का एक अभिन्न अंग है। अगस्त 2019 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया, जिसमें कुल 8 देश रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, सूडान और इंडिया ने भाग लिया। भारतीय सेना का इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आकर विजयी होना हम सब के लिए गर्व की बात है। हमारी ताकत का सबसे बड़ा स्रोत हमारे सैनिक हैं। भारतीय सेना हमेशा की तरह अपने सैनिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। 2019 में हमने नेक्स्ट ऑफ किन पर खास ध्यान दिया ताकि हमारे जवान अपने प्राथमिक कार्य पर ध्यान दे सकें और आश्वस्त होकर उनके नेक्स्ट ऑफ किन हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के आभारी हैं, जिन बैटल कैजुअल्टीज का नाम त्याग चक्र पर अंकित है उनके परिजनों को रोज सम्मानित किया जाता है। पिछले साल 308 शहीदों को परिवारों को सम्मानित किया गया। यह न केवल हमारे शहीदों के प्रति हमारी भावना को दर्शाता है बल्कि सर्विंग और भावी सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाता है। पिछले साल सेना में बैटल कैजुअल्टीज के आकांक्षाओं व जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए उनके परिवारों तक पहुंचाए। हमारे देशवासियों के दिलों और दिमाग में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय सेना में हमारे सभी रैंक्स देश के हर इलाके से विभिन्न धर्मों से शामिल है और सेना में जात धर्म क्षेत्र के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय सेना कर्तव्य, वीरता और निष्पक्षता के प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप नाम नमक निशान के सिद्धांत का पालन करते हुए देश के विश्वास पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। अंत में मैं दोहराना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में ऊंचे दर्जे के ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस की मांग बढ़ती रहेगी। भारतीय सेना न सिर्फ आज के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है बल्कि भविष्य की अपेक्षाओं को दूर करने भी सक्षम है। सेना दिवस के अवसर पर आज फिर हम सामूहिक रूप से अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हैं। जय हिंद।